आज सुबह जैसे मैं सोकर उठाऊँ ना, मुझे बहुत तेज़ गाने की आवाज़ आ रही थी। चकते चकते इंडिया करके ऐसा गाना बज रहा था। मैं कहा ये कहाँ से आवाज़ आ रही है। फिर उसके कुछ देर बाद मुझे ड्रम वगैरह बजने की आवाज़ आई। मैं कहा ये क्या हो रहा है, परेड वगैरह जैसा कुछ लग रहा था। अभी मुझे रियलाइज़ हुआ, बगल में छोरा शहर में ढिंडोरा, मेरे पीछे ये पीछे है ना, ये एमयू का ऑफिशियल सिंथेटिक टर्फ हॉकी ग्राउंड है। यहाँ पे टूर्नामेंट्स वगैरह ऑर्गेनाइज होते हैं स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे। टुडे इज वेंसडे 3rd of March और अभी मैं जा रहा हूँ प्रोवोस्ट ऑफिस में अपनी मार्कशीट कलेक्ट करने। मुझे मौका मिला तो आपको मैं दिखाऊंगा मेरे हॉस्टल की प्रोवोस्ट ऑफिस कैसी है। यहाँ पे सारे हॉस्टल रिलेटेड काम होते हैं और मार्कशीट भी यहीं पर हमें मिलती है। मार्कशीट तो मुझे मिल गई मगर उसमें कुछ एरर था। अब उसके करेक्शन के लिए मुझे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस लेकर जाना पड़ेगा। सो चलिए चलते हैं। यहाँ पे जो रिची रिच वाला था ना, हे यार हाँ कहाँ गया, वो चला गया। How do you feel after peeing? I feel like going home. आजी, hey man. आजी, कहाँ busy हैं आप? आजी, अरे तुम लोग background में music क्यों दे रहे हो भाई? अलीगढ़ महोत्सव। चलो यार बाबा। Assalamualaikum guys, right now I'm in my room, hostel room. मैं अभी खाली था, अभी रूम में कोई था नहीं, तो मैं सोचा क्यों ना आपको मैं अपने हॉस्टल को दिखाता हूँ कैसा है। एमयू के हॉस्टल का रूम जनरली कैसे होता है, जब रूम में लोग रहते हैं वो पढ़ते हैं या कुछ काम करते हैं तो उनको डिस्टर्ब होगा, मैं शूट करूँगा अच्छा लगेगा नहीं, मैं बोलूँगा ऐसे तेज़ तेज़, तो उनकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखते हुए मैं सोचा अभी खाली है रूम तो मैं आपको टूर देता हूँ। टूर क्या दूंगा, घंटा। क्वालिटी वीडियो की जो है थोड़ी सी लो टाइप की लग रही है क्योंकि मैं अपने छोटे वाले फ़ोन से शूट कर रहा हूँ। इसका कैमरा 7 मेगापिक्सल का ही है, मेरे बड़े वाले फ़ोन का 12 मेगापिक्सल का है, आई डोंट नो ऐसे कुछ है। सो ये मेरा टेबल है, इस पर कुछ बुक्स रखी हुई हैं जिनमें से कभी कभार मैं किसी को हाथ लगा देता हूँ, पढ़ने की बात नहीं। हाँ ये कुरान, हर रोज़ सुबह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ और मैंने पूरी कुरान ख़त्म कर दी हुई है बहुत बार ट्रांसलेशन से, ये पूरा ट्रांसलेशन, और ये मैंने मार्किंग्स की हुई हैं। और मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप लोग भी पढ़ो, सबसे ज़रूरी ये है। ये डेविड डैशस, विलियम जे लॉन्ग, ये मरने के बाद काम नहीं आएंगे, मरने के बाद यही काम आएगी, द नोबल कुरान। और यहाँ पे मेरा फ़ोन चार्ज हो रहा है और ये मेरे रफ़ के लिए नोटबुक है, ये पानी का बॉटल है, ये शीशा आईना है जिसमें अपनी मैं शक्ल देख लेता हूँ कभी कभार, ये मेरा टिफ़िन है, डाइनिंग बंद है तो मुझे टिफ़िन करानी पड़ी है, तो ये मुझे दोपहर और रात में खाना देकर जाते हैं। और ये मेरी कुर्सी है, ये मेरा जय नमाज है, इस पर मैं सुन्नत नमाज जो है कभी कभी रूम में ही पढ़ लेता हूँ, फ़र्ज़ जो है मस्जिद में पढ़ता हूँ। ये मेरा बैग है, वही बैग है जो मैं 4-5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक चल रहा है। ये मेरा बेड है, ये बगल वाले भाई साहब का है, ये अगले भाई साहब का है, और ये कबर्ड है, और ये चौथे रूममेट भाई साहब का, और पीछे एक बैक रूम है जो सीनियर को मिलता है जो PhD वगैरह करते हैं, इसमें अंधेरा है तो इसमें साफ दिख नहीं रहा होगा। और ये मेरा कबर्ड है,
इसमें से नीचे वाला पोर्शन मेरा है, ऊपर वाला किसी और भाई का है, और ये छोटा सा रहता है, इसमें काम के सामान बस आ जाते हैं। सो दैट्स इट। सो ये है मेरा रूम। बेसिकली बहुत अच्छे अच्छे रूम भी मिलते हैं। ये सर सैयद हॉल का रूम है, और जो हॉस्टल्स हैं जो अभी नए बन गए हैं, रेनोवेट हो चुके हैं, उनके रूम्स बहुत ही अच्छे हैं, उनमें टाइल्स वगैरह लगे हुए हैं, बहुत ही अच्छे रहने के लिए। बट मेन चीज़ होता है रहने का। रहना है, काम चल जाए बस, टाइल्स लगा के आलीशान बना के रूम में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे भी काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सो दैट्स इट। अगर मुझे मौका मिलेगा तो और मैं आपको दिखाऊंगा कुछ। सो टुडे इज़ थर्सडे 4th of March, और अभी मैं जा रहा हूँ अपने फ्रेंड के रूम पर। The number you have dialed is currently busy. Hey, you are busy, man. You are playing PUBG. तो ये क्लिप मैं तुम्हारे अब्बू को भेजूंगा साथ में। अरे तेरी माइक खतरनाक। तो टीममेट अच्छे हैं, तो हम लोग जीत रहे हैं। तो चलो जीतने भी नहीं पाते। To be very honest, I don't support such kind of activity. एक खोलो यार तुम धक्का। तुम्हारा घिनौना चेहरा तो लोगों के सामने आया, तुम गेम खेलते रहते हो। कमरे वमरे को ताला वाला लगा कर निकला करें हॉस्टल वाले, ध्यान से लंबे लोग थोड़ा झुक जाएं ताकि पबजी खेले हैं उसको चोट लगी है। मैं क्या कर रहा हूँ, एक हफ्ते का एक साथ ही ब्लॉग कर ले रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, ये आप फूल देख सकते हैं, अलग अलग किस्म के फूल लगे हुए हैं। है ये फूल का नाम बताओ बे, खींच के आ जाऊँगा आप ही के पास डायरेक्ट। अब आपको बताना ही पड़ेगा, मुँह खोलना ही पड़ेगा। आराम से जी बताइए कौन कौन सा फूल है। सूरज से अल्ट्रावायलेट रेस निकलते हैं जो आपके स्किन को नुकसान पहुंचा। अरे तेज बोलो बेसाले, माइक इतना अच्छा थोड़ी ना, गले के हलक में घुस के निकाल लेगा तुम्हारी बातें। आई एम रियली सॉरी। इन एवरी मिनट इन अफ्रीका देयर पासेस 60 सेकंड्स, टुगेदर वी कैन स्टॉप दिस, डोनेट फॉर दिस कॉज। इन अफ्रीका इन अ मिनट 60 सेकंड्स पासेस, टुगेदर वी कैन स्टॉप दिस। युगांडा का नाम सुने हो? युगांडा इन 1 आवर इट पासेस 60 सेकंड्स, 60 मिनट्स, टुगेदर वी कैन स्टॉप दिस। भांडुप जानते हो ना? व्हाट भांडुप? इन भांडुप। ओह माय गॉड, यार ये लोग पिच क्यों सही कर रहे हैं जब कोई क्रिकेट मैच नहीं होना है? यूनिवर्सिटी तो बंद है ऑफिशियली, तो कोई मैच हो नहीं सकता, तो किट हॉकी वाली तो हो नहीं जाएगी। वो हॉकी तो बाहर वाले करवाए थे यार, ये भी बाहर वाले करवाएंगे। ओहो, सब बाहर का ही हो रहा है। वो पता है मेरे सब्सक्राइबर्स ही नहीं बढ़ रहे हैं, मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ अभी तक। आप लोग मेरा टारगेट पूरा नहीं कर रहे हो। ए साकिब, इनको कुछ बोलो ना यार कि मेरा टारगेट पूरा करें। 15,000 सब्सक्राइबर्स तुम्हारे साले, कोई तो पहचानता होगा तुमको। कोई पहचान आसिफ भाई खुद ने सब्सक्राइब किया। इस बुक को ले लो, यहाँ मैं प्रमोट कर रहा हूँ अपना चैनल, बुक प्रमोट करें। सब्सक्राइब करो 900 सब्सक्राइबर्स बिफोर 10th of March। गिवमी पानी, मैं गिवमी पानी। बोतल ही खाली है, ये तो हवा दे रहा, पानी नहीं दे सकता। ये सस्ता वेटिंग रूम है क्या भाई? भाई उसका क्या नाम है, बियर ग्रिल्स जो जंगल में जाता है। 50,000 पहुँचाना है। 50,000। अभी तक 820 सब्सक्राइबर्स सिर्फ हुए हैं और 10th of March ख़त्म ही होने वाला है। पहला टारगेट इतने जल्दी कंप्लीट हो गया था, मगर ये दूसरे वाले टारगेट में इतना वक्त। आप लोग कैसे भी करके वीडियोस को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे सब्सक्राइबर्स 900 सब्सक्राइबर्स बिफोर 10th of March तक कंप्लीट करा दो। अभी भी कितने, एक हफ्ता तो है लगभग, आप करा सकते हो इंशाल्लाह। लेट्स ट्राई एंड सी व्हाट हैपेंस, एवरीथिंग हैपेंस बाय द विल ऑफ अल्लाह। बस यहीं पर मैं अपना व्लॉग खत्म करता हूं, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।